मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां बोट क्लब पर बड़े तालाब में एक युवक और युवती के शव पानी में तैरते पाए गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची श्यामला हिल्स पुलिस ने रेस्क्यू दल की सहायता से दोनों शवों को पानी से बाहर निकालकर पंचनामा बनाया। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल रवाना कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है दोनों भोपाल में लिव इन में रह रहे थे। महिला के पति की इसी साल 23 जनवरी को सागर में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से वो पति के दोस्त के साथ रह रही थी। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि महिला और पुरुष स्कूटी से बोट क्लब पहुंचे, जहां किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ने तालाब में कूदकर जान दे दी। दोनों की चप्पलें बाहर पड़ी मिली, उनकी गाड़ी भी वहीं पार्क थी। स्कूटी के नंबर की जांच करने पर पता चला कि मृतक बाग से बनी इलाके के रहने वाले हैं। मृतिका का नाम प्रिया साहू बताया जा रहा है, जबकि मृतक पुरुष के नाम की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोनों ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। मृतकों के परिजनों से पूछताछ के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकेगी। सुबह हम लोग ड्यूटी में थे, सुबह सुबह आना पड़ता है, तो देखा तो एक गाड़ी खड़ी थी, तो आसपास घूम के देखा हमने, तालाब में झांक के देखा, एक पुरुष की गाड़ी दिखाई दी। फिर इनके जूते चप्पल लगे, दोनों दो जो चप्पल थी एक दुपट्टा था, तो जाके देखा आगे महिला की लाश, एक महिला की हो चुकी। वो ने कहा प्रिया साहू है, अति दशरथ साहू, ये बाघ से बनिया विश्वकर्मा नगर बात करिए।